हेलो जीनियसेस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ जीनियस मेकर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही यूनिक फीचर जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने प्रोडक्ट पेजेस को और ज़्यादा हाई कन्वर्टिंग बना सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे वे में। ठीक है, तो इसका इंस्पिरेशन मैंने स्टोर से लिया था। यहाँ आप देखेंगे प्रोडक्ट पेज के नीचे आपको यहाँ पे इमेजेस मिल रही है और टेक्स्ट है और उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे दूसरी इमेज है, बट ये सब प्रोडक्ट पे अलग रहेगा या जो इनका कलेक्शन रहेगा उन सब पे अलग रहेगा। लाइक ये मेंस ट्री है तो इस पे अलग है, अगर हम लोग विमेंस पे चलते हैं और यहाँ पे अलग हम प्रोडक्ट लेंगे पे आप देखेंगे कि इस पे अलग तरीके से, ठीक है, वो सेम इन्फॉर्मेशन नहीं रेंडर हो रही। बट अगर हम लोग इसको शॉपिफाई स्टोर पे रेप्लिकेट करते हैं, मल्टी रो कॉलम हम लोग लगा सकते हैं, बट वो इन्फॉर्मेशन डायनेमिक नहीं होगी, वो सब प्रोडक्ट पे एक ही शो करेगी। तो हम लोग डायनेमिकली कैसे इसको शो कर सकते हैं, आज हम ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं मेटा फील्ड और मेटा ऑब्जेक्ट की हेल्प से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम अपने स्टोर पे आ जाते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हमें एक मेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा। तो आप कंटेंट पे जाएंगे, मेटा ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड डेफिनेशन पे आप करेंगे और इसका हम लोग नेम दे देते हैं। तो अभी इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, इसको हम लोग मल्टी रो सेक्शन या मल्टी रो इन्फो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट पे आप मल्टी रो में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और यहाँ पे फील्ड ऐड करेंगे। तो फील्ड देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये एक टेक्स्ट है, ये हेडलाइन है और यहाँ पे पैराग्राफ है और इमेज है, ये चार चीजें हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको हम लोग नाम दे देते हैं टाइटल या सब हेडिंग हम लोग कर देते हैं। ठीक है, और ये ऊपर है लेकिन हम इसको सब हेडिंग दे रहे हैं इसके साइज की वजह से, सब हेडिंग हो गया। और इसको हम लोग क्या रखेंगे, वन वैल्यू हम लोग करते हैं और ऐड कर देंगे। उसके बाद दूसरा, इसके नीचे अभी टाइटल है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड फील्ड पे हम लोग जाते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट ही लेंगे और इसको हम लोग मेन हेडिंग हमारी दे देंगे। ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगा, ऐड हम करेंगे। इसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए हम लोग मल्टी लाइन टेक्स्ट ले सकते हैं, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं और इसको हम लोग दे देते हैं पैराग्राफ या डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहे, ऐड हम लोग कर देते हैं। एंड नेक्स्ट एक इमेज है, तो इमेज के लिए आप नीचे जाएंगे यहाँ पे फाइल में और इसको हम लोग नेम दे देते हैं इमेज और यहाँ पे वीडियोस को आप अनचेक कर दीजिए, सिर्फ हमें इमेज चाहिए और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए इनका जो ऑर्डर है ना, ये यही रहेगा, सब हेडिंग, हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज। ठीक है, अभी हम लोग सेव कर देते हैं। तो ये हमने हमारा मेटा ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया, मेटा ऑब्जेक्ट। अभी हमें इसको लिंक करना है मेटा फील्ड से। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं, वापस एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सेटिंग्स पे हम लोग चलेंगे, सेटिंग्स पे जाने के बाद कस्टम डेटा पे, और यहाँ पे ये हमें कहाँ शो करना है, प्रोडक्ट पे शो करना है, प्रोडक्ट हम लोग क्लिक करेंगे, ऐड डेफिनेशन करेंगे और इसको हम लोग कर देते हैं मल्टी रो इन्फो। मल्टी रो इन्फो से आपको याद आ जाएगा कि ये हमें इन्फो ऐड करनी है। सेलेक्ट टाइप में अभी आप क्या सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से रेफरेंस लेंगे, मेटा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेटा ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना और कौन सा मेटा ऑब्जेक्ट, अगर मल्टीपल मेटा ऑब्जेक्ट आपने बना रखे हैं उनके नाम शो करेगा, आपको उसका नेम सेलेक्ट करना रहता है। तो अभी हमने एक ही बना रखा है मल्टी रो इन्फो प्रोडक्ट और इसको लिस्ट ऑफ एंट्रीज आप कर देंगे और सेव करेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ एंट्री क्यों कर रहे हैं, जस्ट आपको पता रहे कि यहाँ पे ये एक है, फिर ये दूसरा है, तीसरा, ऐसे हमें भी मल्टीपल ऐड करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट्स पे, तो हमने लिस्ट ऑफ एंट्रीज कर दिया। ये यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, के बाद हम लोग ऑनलाइन स्टोर पे चलते हैं। अभी हमने प्रोडक्ट से कनेक्ट नहीं कराया, तो प्रोडक्ट से कैसे कनेक्ट करेंगे, कस्टमाइज पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं डिफॉल्ट प्रोडक्ट पे, तो हमें टेम्पलेट्स नहीं बनानी, ये कर भी मैं ले रहा हूं बिकॉज मेरे एक क्लाइंट हैं तो उन्होंने किसी को बताया होगा कि हमें ये ऐसे चेंजेस चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि टेम्पलेट उन्होंने हर प्रोडक्ट के लिए ना अलग से एक टेम्पलेट बना दिया, अब अलग से टेम्पलेट बना दिया वो तो तरीका बहुत अच्छा नहीं है और उसमें कितना टाइम लगेगा, अभी कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है फिर से वो टेम्पलेट पे जाएंगे, चेंजेस करेंगे। करेक्ट द डायनामिक सोर्सेस इन द डिफॉल्ट प्रोडक्ट टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे देख लीजिए मल्टी रो हमने पहले ऐड करा था ना, इसी की वजह से एरर आ रहा है, अभी हमने उसको डिलीट कर दिया। ये हम लोग डिफॉल्ट प्रोडक्ट पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सेक्शन ऐड करना है, ऐड सेक्शन करेंगे और कौन सा सेक्शन हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं, मल्टी रो जिसमें ये सारी फीचर्स है, अभी सिर्फ हमें एक रो चाहिएगी तो बाकी रोज को आप डिलीट कर दीजिए और इसको हम लोग रिलेटेड प्रोडक्ट से ऊपर ले आके, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जहाँ आपका एंड होता है उससे जस्ट नीचे यहाँ पे। ठीक, अभी आप रो पे जाएंगे, रो पे क्लिक करना और यहाँ पे ये ऊपर जो आपको कनेक्ट डायनेमिक सोर्स आ रहा है ना, नीचे वाला नहीं,
इमेज के नीचे नहीं, इससे ऊपर कनेक्ट डायनेमिक सोर्स आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और मल्टी रो इन्फो जो मेटा फील्ड हमने बनाया था पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें कनेक्ट कर लेगा। देखो यहाँ पे इमेज ले लिया, कैप्शन में सब हेडिंग ले लिया, जो ऊपर आएगा हेडिंग में आपका हेडिंग ले लिया है और टेक्स्ट में पैराग्राफ ले लिया। बटन हमें चाहिए नहीं तो बटन को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर हो तो गया बट ये शो तो नहीं कर रहा है। ये शो नहीं करेगा बिकॉज हर प्रोडक्ट पे आप अलग चीजें ऐड करना चाह रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या है वापस चलते हैं यहाँ से, यहाँ हमारा काम कंप्लीट हो गया और अब आप जिस भी प्रोडक्ट पे जो भी इमेज टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो लेट अस से हम लोग ये प्रोडक्ट ओपन करते हैं और इस प्रोडक्ट पे अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे मल्टी रो इन्फो का जो मेटा फील्ड है वो हमें शो करेगा। यहाँ पे एड एंट्री, बिकॉज हमने कोई एंट्री नहीं करी तो एड न्यू एंट्री हमें देगा। तो अभी हमें एंट्री ऐड करनी, पहले हमें सब हेडिंग ऐड करनी है। तो अभी हम लोग सब हेडिंग में कुछ भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉरम इप्सम का हेल्प लूंगा बिकॉज मेरे पास अभी टेक्स्ट नहीं है। आपके पास टेक्स्ट होगा तो आप वो टेक्स्ट ही डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लॉरम इप्सम का जो टेक्स्ट है ना सिर्फ ये हेल्प ले रहा हूँ। तो ये हमने सब हेडिंग डाल दिया। अभी यहाँ पे हेडिंग हमें डालना है तो हेडिंग भी हम लोग यहीं से ले लेते हैं। ये हमारा हेडिंग हो गया और अभी पैराग्राफ का कुछ टेक्स्ट हमें डालना है तो टेक्स्ट भी हम लोग यहीं से ले लेते हैं। ये हमने यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लिया और ये पेस्ट कर दिया। ठीक, अभी हमें इमेज लेना है तो आप इमेज अपलोड कर लेंगे। मैं अभी जो मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस अवेलेबल है उनको ही यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, सेलेक्ट हम लोग करेंगे। तो ये हमारी एक एंट्री होगी, इसको हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस प्रोडक्ट पे चलेंगे तो आप सेव कर लेंगे पहले और इस प्रोडक्ट को हम लोग प्रीव्यू कर। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे तो अभी देखेंगे कि इस प्रोडक्ट के नीचे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज आ गई, ये टेक्स्ट आ गया, ये आपकी हेडिंग आ गई और ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मुझे और ऐड करनी है, तो बिल्कुल आप और ऐड कर सकते हैं। यही मल्टी रो इन्फो पे आप क्लिक करिए, ऐड न्यू एंट्री करिए और अभी दूसरी एंट्री आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दूसरी एंट्री हम लोग ये ले लेते हैं। यहाँ पे ये सब हेडिंग में हमने यूज करा और यहाँ पे ये हेडिंग के लिए हम लोग ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग इसको डिफरेंट चेक कर सके एंड देन पैराग्राफ में हम लोग यहाँ तक ये पैराग्राफ ले लेते हैं। तो दोनों में हमने डिफरेंट लिया है, आपने देख लिया होगा। और इमेज यहाँ पे अभी हम लोग कोई अलग इमेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग किसी प्रोडक्ट की इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे ले लेते हैं, डन करते हैं और सेव करें। ठीक है, तो अभी हमने इस प्रोडक्ट के नीचे दो इन्फॉर्मेशन ऐड करी हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे ये शो करेगा क्या। इसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ से हम लोग पहले तो सेव करेंगे, सेव नहीं हुआ था, अभी सेव हो गया है। अभी इसको हम लोग प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू करेंगे, हम लोग नीचे चलते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया है कनेक्ट, बट ये टाइम ले रहा है इसको शो करने में, यहाँ पे ये शो करेगा। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से रीलोड करके ट्राई करता हूँ। ये देख लीजिए अभी ये आ गया और ये सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसा इनका है। आप देखेंगे कि इमेज जो है ना ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन में है, पहले लेफ्ट में है देन राइट में है देन लेफ्ट में आएगी। ठीक है, और आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी रीजन से आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे क्या है कि इमेज राइट से शुरू होनी चाहिए, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इमेज लेफ्ट से स्टार्ट हो रही, तो वो भी आप इजिली कर सकते हैं। आपको कस्टमाइज पे जाना है, कस्टमाइज पे जाने के बाद डिफॉल्ट प्रोडक्ट को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से डिफॉल्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, डिफॉल्ट प्रोडक्ट और मल्टी रो पे यहाँ पे जाएंगे, मल्टी रो पे, और यहाँ आप देख लेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है ऑल्टरनेट फ्रॉम लेफ्ट, आप इसको कर दीजिए ऑल्टरनेट फ्रॉम राइट। तो अभी क्या हो जाएगा, ये इमेजेस यहाँ पे ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है ना, अब ये राइट लेफ्ट ऐसे मूव करेगी। ठीक है, आप ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, या आप चाहें तो सभी को लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं। किसी रीजन से आपको ऐसा चाहिए कि मुझे नहीं सारी इमेजेस लेफ्ट में चाहिए और उसकी इन्फॉर्मेशन राइट में चाहिए, तो वो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप इनको राइट अलाइन कर सकते हैं। अभी सारा कंट्रोल आपके पास आ जाएगा, आप राइट अलाइन कर दिया तो इस तरह से राइट अलाइन कहेगा, या आप ऑल्टरनेट इसको कर सकते हैं, ऑल्टरनेट फ्रॉम राइट अभी हम लोग चूज कर लेते हैं। तो ये देखेंगे कि पहला इमेज राइट में रहेगा देन सेकेंड इमेज लेफ्ट में रहेगा और इसके नीचे जितनी भी आप इमेजेस ऐड करते जाएंगे, ये जो टेक्स्ट के ब्लॉक ना मेटा ऑब्जेक्ट्स आप ऐड करते जाएंगे वो इस पे आता रहेगा। बट क्या ये सभी प्रोडक्ट पे शो करेगा, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते डिफॉल्ट प्रोडक्ट में यही मल्टी रो को, तो ये मल्टी रो सब जगह शो करता। ठीक है, सारे प्रोडक्ट पे शो करता, एक ही शो करता, डायनेमिक नहीं रहता। बट अभी ये डायनेमिक है, अभी हम लोग किसी दूसरे प्रोडक्ट पे ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं और इस प्रोडक्ट में भी नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, मल्टी रो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो ये देख लीजिए दो एंट्री जो आपने कर रखी है वो तो आप
आपको शो कर ही रहा है तो किसी रीजन से आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे सेम चीजें डिस्प्ले करनी है तो आपको बार बार उनको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें एड न्यू एंट्री करनी है और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट तो वही ले लेते हैं जो हमने लिया था, बट इमेज हम लोग चेंज कर देंगे ताकि हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इमेज अब कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। तो अभी हम लोग इसी प्रोडक्ट का इमेज ले लेते हैं, लेटस से ये प्रोडक्ट इसी का इमेज हमने नीचे ले लिया और इसको हम लोग सेव कर देते हैं और यहाँ पे भी आप सेव कर दीजिए। ठीक है, अभी इस प्रोडक्ट को हम लोग प्रीव्यू करते हैं। अब प्रीव्यू करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस प्रोडक्ट के नीचे ही शो करेगी। देखिए हम लोग स्क्रॉल करके आते हैं यहाँ पे, अगर आपका ना ये डिस्क्रिप्शन किसी रीजन से ऐसा शो करता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके ना नोट पैड पे ले जाए और वापस को यहाँ पेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी देख लीजिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। ठीक है, और किसी और प्रोडक्ट पे हम लोग जाएंगे तो उनपे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शो करेगा नीचे इस तरह से, क्योंकि वहां हमने एड नहीं करी है। सो दिस इज द राइट वे, अगर आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है अपने प्रोडक्ट्स पे तो आप सही तरीके से उसको करें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो प्रोडक्ट ओपन करा हुआ था उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये देख लीजिए ये प्रोडक्ट था। अब इस पे आपको पता है कितनी भी आप और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो उसके नीचे ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन डायनेमिक है, यानी ये सभी प्रोडक्ट के लिए सेम नहीं रहेगी, आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अलग तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट के लिए अलग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं और वही अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अभी हम लोग इसके नीचे एक और इमेज ऐड कर लेते हैं, यहाँ हम लोग यही इमेज ऐड कर लेते हैं इसी प्रोडक्ट की और इसको हम लोग सेव करते हैं। देन यहाँ पे प्रोडक्ट को सेव करेंगे और अब इसको हम लोग प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रीव्यू करते हैं या स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे तो अभी देखेंगे ये थर्ड इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में एडिशनल आपको और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो इस तरीके से शो कर सकते हैं और आपके पास पूरा कंट्रोल रहेगा। ये डायनेमिक है तो ऐसा नहीं रहेगा कि एक इन्फॉर्मेशन सभी प्रोडक्ट पे शो कर रही है। ठीक है, सभी प्रोडक्ट पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इमेजेस, टैक्स, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस जो आप शो करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इजिली शो कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मेटा फील्ड्स का, मेटा ऑब्जेक्ट्स का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं वो आपको एक ओवरव्यू मिला होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं मेटा फील्ड और मेटा ऑब्जेक्ट पे कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूं तो उसमें हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, बट अभी आपको समझ में आ गया होगा एक बेसिक डिफरेंस। तो मेटा फील्ड क्या है, मेटा फील्ड को अगर आप डायरेक्टली लगाते हैं तो सिंगल एंट्री होती है, अगर आपको मल्टीपल एंट्री लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप प्रोडक्ट पेज पे जाइए, जैसे ये प्रोडक्ट है ना तो ये भी एक तरह से आप इसको मेटा ऑब्जेक्ट ही मान सकते हैं। यहाँ पे ये आपको ब्लॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ टाइटल ऐड करने का, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस और यहाँ पे आपको प्राइसिंग वगैरह, तो इस तरह से हम लोग खुद के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या क्रिएट करा, जैसे हम लोग कंटेंट में चलते हैं यहाँ पे और ये मल्टी रो इन्फो में, तो ये हमने खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ना। आप देख लीजिए यहाँ पे सब हेडिंग का, यहाँ पे हेडिंग चाहिए, यहाँ पैराग्राफ चाहिए, यहाँ इमेज चाहिए, हमने खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। तो ये शॉपिफाई 2.0 में आपको ये फंक्शनैलिटी मिलती है कि मेटा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप खुद के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको अगर शो करना है तो हम लोग मेटा फील्ड बनाएंगे। ठीक है, इस मेटा ऑब्जेक्ट को भी हमने कनेक्ट करा था मेटा फील्ड से और उस मेटा फील्ड की हेल्प से ही हमने प्रोडक्ट्स पे वो इन्फॉर्मेशन रेंडर करी थी। ठीक है, तो इजीली आप इस तरह के सेक्शंस बना सकते हैं। अगर आप क्लाइंट वर्क भी करते हैं तो अच्छे से आप करके दीजिए, ऐसा मत करिए कि आप लोगों को लाइक नहीं करा तो यही इमेज वे टेक्स्ट वाला ही सेक्शन ऐड करा, बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको टेम्पलेट बना दी हर प्रोडक्ट के लिए। अभी 8 प्रोडक्ट है तो 8 टेम्पलेट बना दिए, तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। अभी हमारे पास 16 प्रोडक्ट है या किसी केस में 50 प्रोडक्ट हो जाएंगे मेरे पास, तो मैं 50 टेम्पलेट थोड़ी बनाऊंगा, नहीं, मुझे वाइसली मेटा फील्ड, मेटा ऑब्जेक्ट, जो आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको यूज करना आपको आना चाहिए। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में आप बताइए, और क्या वीडियो आप देखना चाहते हैं, कहां पे आपको प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सोल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा और उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है 100 डेज 100 शॉपिफाई कस्टमाइजेशन, प्लीज आप इसको फॉलो करिए एंड ट्रस्ट मी एट द एंड ऑफ 100 डेज यू विल हैव बेटर नॉलेज ऑफ शॉपिफाई देन 95% ऑफ शॉपिफाई यूजर्स इन द एंटायर वर्ल्ड। यस, ये बहुत ही बोल्ड कमिटमेंट है, बट आई विल बैक माई कमिटमेंट। ठीक है, मैं पूरी मेहनत करूंगा और हम लोग ऐसा वैल्यूएबल कॉन्टेंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे, प्लस में आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है और आपको यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे स्टोर क्रिएशन के प्रोसेस में, क्लाइंट वर्क में, अपने खुद के स्टोर्स में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।